जैसे भी लोड है। Hey guys, good morning. यार आज का ब्लॉग तो करते हैं स्टार्ट। तो अभी ना गाइस रात में घुसा तो मैं लोडिंग पे, तो लोडिंग करके यार रात भर लोड किया, सुबह में निकला 5:30 बजे और आके ना बारिश जैसे ये गाड़ियां लगी हैं, ऐसे लगा के मैं भी यार 1-2 घंटे की नींद ले लिया, क्योंकि अभी इस टाइम हो रहे हैं 8। तभी फाइनली उठ गया, अभी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ पंप पे। और भाई अपना महिंद्रा का गेट वो सामने रहा, वो जो दिख रहे ना, अभी यहाँ से तो धूप चल रही है तो दिख नहीं रहा होगा, तो भाई वो अपना गेट है सामने वहाँ पे। और वहाँ से भाई घुमा के आगे से यू टर्न करके ना एक साइड में लगा के आराम से 2 घंटे सो लिया। अभी सीधा हम निकलना है पंप पे और पंप से डीजल लेना है, और चलो फिर डीजल लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ का लोड है और कहाँ जाना है। चलो भाई ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, और ब्लॉग ना गाइस लास्ट तक बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी पंप पे पहुंच चुके भाई, अभी देख सकते हो लाइनें लगी हैं, तब तक एक गाड़ी और आ गई। अब ये वाली गाड़ी हटेगी कैंपटी की, उसके बाद अपनी गाड़ी लगाएंगे। बस उस्ताद जी जा रहे हैं बैठने के लिए, हटा रहे हैं, हटाने के बाद ना तुरंत अपनी गाड़ी लगाएंगे और डीजल लेके फिर भाई निकलेंगे आगे। उज्जैन महाकाल की नगरी, तो चलते भाई हम भी घूम लेते हैं महाकाल की नगरी। अभी ये अपनी गाड़ी इधर लगी है, तो भाई अपना डीजल ना डल रहा है अभी 250 लीटर इधर से। अभी देखते हैं आगे कहाँ पे फिर डीजल मिलता है अपने को। अभी फाइनली 250 लीटर पड़ रहा है, कितना हो गया भाई, 200 लीटर हो गया। अभी 50 लीटर और डीजल लेने के बाद भाई गाड़ी को थोड़ा साइड करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, फिर उसके बाद ना आगे निकलेंगे, क्योंकि नाश्ता भी कर लेंगे अभी रुके हैं तो। ये आ गया भाई चाकन, तो अभी हम लोग चाकन से यार भाई देख रहे हो, चाकन से भी हमें लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट मार के सीधा संगम नगर, कोपरगांव, योला, मनमार, दुलिया और इंदौर होते हुए ना सीधा उज्जैन। तभी यार सिग्नल है, अभी सिग्नल ख़त्म होने वाला है, 10 सेकेंड 8 सेकेंड 7 सेकेंड निकलेंगे। कितना भी खींच के लेके आओ गाड़ी यार नीचे से ना, फिर भी गाड़ी 2 नंबर 3 नंबर ले लेती है। अभी फाइनली मेरा 3 नंबर ली है और धीरे धीरे यार चढ़ाई पे चढ़ चुके हैं, बस वहाँ तक लास्ट है जो टावर दिख रहा है, और उसके बाद नीचे ढलाई ढलाई है, फिर उसके बाद ना ढलते जाओ और ढलते जाओ, बस टावर के पास तक थोड़ा चढ़ाई है। अभी RPM अपना अप जा रहा है, तभी गियर को चेंज कर सकते हैं 4 नंबर में, देखो अभी दब रही है ना थोड़ी, तभी दबेगी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा लेवल सा आ गया है, थोड़ा चढ़ाई है। और भाई अभी ये नज़ारे देखो, और यहाँ ऊपर भाई एक बस स्टॉप है, कहीं कहीं पर ऐसी ऐसी जगह पे बस स्टॉप होता है या ऐसी ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब अलग ही फील आता है। जैसे कि कहीं कहीं पर ऐसी जगह हम लोगों को मिल जाता है होटल, अभी देखो जो देखो जैसे ये वाला होटल है अभी चढ़ाई पे है, अभी इस पे इस होटल पे एक बार मैं रुका हूँ खाना खाने के लिए, रात में सोया था। अभी ये होटल चढ़ाई पे है और इस साइड में पहाड़ है, और नीचे यहाँ से ना बस ढलाई ही ढलाई है। देखो भाई यार क्या बताऊँ, इतना वो है ना रोड थोड़ा ख़राब है, देख सकते हो चक्की हर एक जगह से चक्की लगी है, तो इसके लिए थोड़ा अपना कैमरा कितना भी स्टेबल करके रखो, और भाई ऊपर नीचे होता ही है। अब यहाँ से सिलेटर नहीं देंगे और आराम आराम से
गाड़ी को नीचे जाने देंगे क्योंकि यहाँ से ढलाई है और एक होटल देख सकते हो यहाँ पे है। तो भाई अभी रुक चुके हैं हम यहाँ पे खाना खाने। तो ये फाइनली इस साइड में बीकानेर ढाबा है, यानी बीकानेर पड़ता है ना राजस्थान में, तो भाई राजस्थानी ढाबा है बीकानेर का। और सारी गाड़ियां रखी हैं और हम भी रॉन्ग साइड में जगह देख के आराम से गाड़ी लगा दी। अब भाई यहां पे चलते हैं, खाना खाते हैं और नहाते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर उसके बाद उतरेंगे संगमनेर से उतरते हैं भाई अपना कोपर गाँव और एवला होते हुए निकलेंगे आगे। चलो फिर चला जाए भाई खाना ना खाने। गाड़ी भाई हो रही है उस साइड में और हम ना नहा धो के यार रेडी हो गए और फाइनली सामने है होटल। और भाई इस ट्रक पे देखो जैसे भी लोड है और सामने होटल, यार खाना खाते हैं उधर भी भाई जैसे भी लोड है। और यार धूल देख रहे हो, धूल नहाने के बाद ना ये धूल जब उड़ती है लगती है ना पैरों में और गुस्सा सा आता है यार, पूरा गंदा हो जाता है। तो सामने बीकानेर ढाबा, ये भाई आ गया अपना मूंग मसाला और सलाद रोटी। अभी छाछ बाकी रह गया तो छाछ भी मंगवा लेते हैं, तो थोड़ा सा दमकते हैं उसके बाद छाछ। तो भाई छाछ भी बोल दिया, मस्त खाते हैं। लो जी नहाना धोना खाना पीना सब हो गया। अभी हम ना 2:10 बाकी हैं तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं सीधा संगमनेर से उसके आगे चलेंगे, देखेंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे टारगेट है कि धुलिया मालेगांव पार कर लें, धुलिया के आसपास में जाके सोएं। तो चलो फिर निकलते हैं भाई क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, यहाँ पे 1 घंटे पूरे गए हमारे नहाने खाने में ना, पूरा 1 घंटा गया। तो चलो फिर कंटिन्यू करते यार क्योंकि पहुँचना भी वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली होटल को बोलते हैं बाय बाय और सीधा निकलते हैं मालेगांव। हिल्स एरिया स्टार्ट हो गया भाई, और इधर ना घाट है, पहाड़ है, घाट है, बस चढ़ना है उतरना है। अब इधर देख ही रहे हो आपको पहाड़ी पहाड़ दिख रहा होगा भाई। अब ना थोड़ा बहुत आसानी से बहुत थोड़ा यार दिक्कत से चढ़ना उतरना पड़ेगा क्योंकि यार अपनी गाड़ी की स्पीड देख सकते हो अभी भाई, गियर में नहीं है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल में भाई 70 की स्पीड पकड़ते हैं अभी इतना देखो नीचे जा रही है ना, अभी कुछ टाइम के बाद भाई ये गाड़ी ना 10 की स्पीड से ऊपर जाएगी नहीं, 10 के ना पार नहीं करेगी, इसको डर लगेगा स्पीड से जाने के। अभी तो ये स्पीड से जा रही है समझे कुछ, अभी डाउन ही है भाई, भाग रही है। अभी जब चढ़ाई आएगी ना तो भाई धीरे धीरे गियर डाउन मांगेगी, अभी देखो चढ़ाई स्टार्ट होना हो गया, अभी धीरे धीरे भाई चढ़ाई लग रही है। अभी आपको ना अच्छे से नज़ारे दिखाता हूँ दो जगह पे, एक वीडियो में बने रहो और वीडियो अगर पसंद आए ना
करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। अभी देखो डाउन हो गया गियर, अभी इस पर 5 गियर ठोक देते हैं और 5 गियर पे आराम से जाएगी। अभी भाई यार ये वाले नज़ारे देखो, छोड़ना मत ये वाले नज़ारे भाई, पकड़ के रखो देखे। तब यार वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, वैसे वैसे जाना है हमें, ये देखो बहुत मज़ा आएगा। अभी वो भाई नीचे पहाड़ सबको कैसे दिखाऊँ यार, क्योंकि एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ, एक हाथ से फ़ोन, नहीं तो वहाँ नीचे से जाना है हमें, नीचे से। वहाँ पहाड़ थोड़ा सा कटा दिख रहा होगा ना, उधर से अपने को जाने का है। और एक बात, अगर आपको ट्रक सीखना हो ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर शनिवार को एक वीडियो डालता हूँ ट्रक लर्निंग के रिलेटेड, हर एक शनिवार को एक वीडियो डालता हूँ ट्रक कैसे चलाते हैं और आसान तरीके से बताऊँगा, तो बस बने रहो वीडियो में। और शनिवार को आप ट्रक लर्निंग भी सीखो और मेरे जैसे ट्राला ऐसे चलाओ मस्त आराम से भाई। और अभी आराम से पकड़ने देते हैं क्योंकि अभी डाउनिंग डाउनिंग भाई खतरनाक सी डाउनिंग है, सामने देख ही रहे हो। ओ भाई और एक चीज ये है, कैसा लग रहा है भाई यार कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वाले सीन्स अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके रखो यार, ऐसे सीन्स हमेशा देता हूँ आपको। अभी यार डाउनिंग डाउनिंग लगे यार, आराम आराम से ना ब्रेक से नीचे की तरफ उतर रहे हैं भाई। जाने तो जाने तो भाई भाई, अब स्पीड पूरी स्पीड छोड़ दूंगा, पूरी स्पीड जाएगी अब रुकना कुछ है नहीं, अब सीधा डाउन है। अरे गाड़ी 60 की स्पीड हो गई भाई, 70। थोड़ा सा ब्रेक पकड़े नहीं तो टर्निंग है ना, टर्निंग पे अपने को हो जाएगी दिक्कत। भाई ये संगम नेर का ना सिंगल रोड है जो कि बाईपास, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना इन सिंगल रोड से जाती हैं संगम नेर से, ठीक। अभी देखो कैसे कैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं सामने से, अभी मेरे को गाड़ी थोड़ा दबाना पड़ेगा इधर, फिर आराम से निकलेगी। देखो भाई अभी शीशे में देखना, मेरा शीशा ना जाए बस, मेरी गाड़ी उधर से नीचे ना जाए यार। क्या बताए भाई, थोड़ा रास्ता होता है ना, थोड़ा बहुत डर लगता है कि गाड़ी इस साइड से नीचे ना जाए, अपनी साइड से भाई कोई चीज़ खिंचाए ना। बहुत यार बहुत मुश्किल से मतलब सिंगल रोड पे गाड़ियाँ चलानी पड़ती है यार, बहुत दिक्कत होती है। वैसे भी ये तो और पतला यार, पीछे और पतला था, वहाँ पे तो गाड़ियाँ थोड़ा मतलब जगह देख के रोक लो ना, लेकिन यार गाड़ी पास भी नहीं होती ऐसा। तब यार संगम नेर लगभग लगभग सामने हमारा हाईवे है, जो आपको वो घर वगैरह दिख रहा है ना उसी के बाजू में, मतलब वो हाईवे पे ही घर तब है, वहाँ से फिर हमें जाना है सीधा सीधा, वैसे सीधा जाके फिर मारना है मतलब देखो ड्राइवर साइड, फिर आगे से कंडक्टर साइड, फिर सीधा सीधा भाई। अभी यार इधर का माहौल इतना ख़राब है ना रोड का और गर्मी का, इतना प्यास लग रहा है ना भाई यार, क्या बताएं बहुत प्यास लग रही है। और इधर देख सकते हो कैसे यार ज़मीन है, और फिर इधर गन्ने गन्ने, जिधर देखो उधर गन्ने भाई गन्ने। तो भाई अभी रुक चुके हैं यार, सामने दिख रहा होगा डिसेंट होटल, तो यार पड़ता है अपना ओला में। तो अभी यार टायर भी थोड़े गर्म हो गए हैं, तो भाई टायर के शक्ल देख सकते हो पूरा क्लीन दिख रहा है ना, ये थोड़े गर्म होते हैं तो इसका निशानी रहता है, ठीक। तब यार चल रहे हैं, जब से खाना खा के चले ना 2 बजे से तब से चल ही रहे हैं, इसके लिए अभी थोड़ा टायर भी शांत हो जाएगा, कुछ हवा पानी ले लेगा और हम भी थोड़ा कुछ खर्चा पानी ले लेते हैं। और खाली सामने रहा होटल, चलते यार कुछ खाते पीते हैं उसके बाद ना आगे निकलेंगे, तब तक गाड़ी भी अपनी आराम थोड़ी कर लेगी।
क्योंकि यार ये भी गाड़ी भी कितनी भी चलेगी, ये भी थक ही जाती है ना चलते चलते। इंजन है फिर भी मशीन है, मशीन भी गर्म होती है ना यार, जब आदमी गर्म हो जाते तो मशीन की क्या है। मशीन भी आदमी ने ही बनाया ना। तो चलो फिर फटाफट चाय साय पीते हैं कुछ, फिर उसके बाद गाइस आगे निकलने की ना कोशिश करेंगे, जहाँ तक कि मालेगांव तक या धुलिया तक। धुलिया यहाँ से अभी 100 कुछ किलोमीटर है, तो धुलिया चलना चलेंगे। चाय साय भाई अपनी हो गई, और यार अब ये सिंगल रोड है ना, इसको आज पार करना है, क्योंकि अभी ये ना 100 कुछ किलोमीटर सिंगल रोड अपना पड़ेगा, इसके बाद भाई सीधा सीधा 4 लाइन पड़ेगा। अभी इसको पार कर लेते हैं, और अभी सोया नहीं हूँ ना तो सिर में थोड़ी सिर दर्द ही है। तो चलो यार पार करते हैं, और क्या बताऊँ, बस चलो सिंगल रोड ना पार करते हैं बस, और कुछ मैं ढूंढ रहा हूँ, याद आएगा तो बताऊँगा। चलो अभी कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। अभी शाम के 6:40 हो रहे हैं भाई, अभी शाम के देख सकते हो नज़ारे ये वाले। अभी हम इस टाइम है मनमार के साइड, मनमार से मेरे हिसाब से 2-3 किलोमीटर पहले। अभी भाई ये नज़ारे देखो, और सिंगल रोड है भाई, सच बताओ कि आप देख रहे हो कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बहुत जाम है। अभी ये देखो आगे से आ रहा है भाई, सिंगल रोड है, थोड़ा सा ना आराम से चलना चाहिए, क्योंकि यार कब पास गाड़ी कौन सी निकलता है ना पता नहीं। अरे देखो देख रहे हो यार, इधर होटल भी बहुत खोल हुए हैं, डैम भाई ढाबे। भाई ये वाले सीन्स मस्त लग रहे हैं भाई, और पीछे का कैमरा चालू करके रखा हूँ, क्योंकि ज़्यादा जाम लग रहा है ना कहीं कहीं पर, इसके लिए देखता रहूँगा कोई छूटे ना पीछे से। भाई ये वाले नज़ारे देखो, ऊँच से भाई किला भी है, ऊँच पहाड़ी के कॉर्नर पे ना ऊंचाई पे किला है, पता नहीं कौन सा किला है पर यहाँ से दिखाई देता है किला है। अगर भाई आप मनमार के रहने वाले हो तो प्लीज़ बताना कि कौन सा किला है, और वैसे बहुत लंबा चौड़ा है। तो अभी गाइस आ चुके हैं भाई होटल पे, और अभी गाड़ी को लगानी है साइड, सामने रहा भाई सागर होटल, और यहाँ पे सारी कार गाड़ी लगी है। यार वॉचमैन को देख रहा हूँ आया नहीं, कहाँ पे है भाई, चलो कहीं पे रहे गाड़ी, यहीं पे साइड में लगाते हैं हम भी, जब आएगा तब देखा जाएगा। सामने भाई गाड़ी लग गई अपनी ये वाली, और भी कार टेलर ना बहुत सारे लगे हैं। तो ये भाई गुजराती होटल होता है, जो कि देख सकते हो पार्किंग भी ना काफ़ी बड़ा मिलेगा गुजराती होटल पे, और जगह भी रहेगी, और होटल भी शानदार रहता है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं खाना खाने, पर ये भाई बोतल ले लिया पानी भरने के लिए, क्योंकि भाई पानी तो इम्पोर्टेंट है ना, और ज़्यादा करके होटलों पर से ही पानी भर लेते हैं, नहीं तो फिर बॉक्स ले लो। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल खाना खाने के लिए, खाना खा के मस्त आराम से सोएंगे, फिर कल सुबह टाइम से निकल जाएंगे। तो ये आ गया भाई होटल एकदम सागर, सुंदर शाकाहारी। ये आ गई भाई अपनी बाजरे की रोटी, जो कि घी में लपेटे हुए भाई, बाजरे की रोटी वैसे मज़ा आता खाने में। और ये आ गया अपना सेव टमाटर, यार खाते ना फटाफट, उसके बाद ही आपसे मिलेंगे, कि देख के ना रहा नहीं जा रहा है, अपनी भूख बहुत तेज लगती है खाना देखने के बाद। खाना पीना खा के तो भाई रेडी हो गए, अब ना बारी है सोने की, तो अभी आज चलते हैं सोते हैं भाई, और फिर सुबह गियर मारेंगे सीधा उज्जैन महाकाल की नगरी। तो चलो फिर
ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छी इस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।